हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करते हैं चाइना की। तो रिसेंटली न्यूज़ चाइना से निकल के आई है जिसमें कि चाइना ने बैन कर दिया है कम्प्लीटली क्रिप्टो करेंसी को। मतलब वहाँ पे चाइना पे अब लोग चाइना में जो है क्रिप्टो करेंसी को खरीद नहीं पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे। और वहाँ के बैंक्स को चाइना ने बोल दिया है और जितने भी वहाँ की प्राइवेट कंपनीज हैं कि आप किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे इंडिविजुअल्स को क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो इस न्यूज़ में एक क्लियर हो गया कि चाइना ने अपने टोटली जो बैंक्स हैं उनको बोल दिया है कि आप किसी भी प्रकार की जो वहाँ की क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे। मतलब अब कोई भी बंदा चाइना में जो है वो क्रिप्टो करेंसी खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज़ बंद हो गई है। तो उन्होंने बैंक्स को क्लियरली बोल दिया है कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी सर्विस यहाँ पे नहीं होने वाली है। मैं रिपीट करता हूँ, इसमें जितने भी चाइना में बैंक्स हैं और ऑनलाइन पेमेंट चैनल्स हैं जैसे पेटीएम वगैरह हो गए हमारे, तो वहाँ पे जो भी उनके हैं तो वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। इसमें शामिल है रजिस्ट्रेशन, ट्रेडिंग, क्लियरिंग और सेटलमेंट। तो मतलब अब लोग चाइना के जो हैं वो लोग क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच नहीं पाएंगे। मोटा मोटा यही है इसका सार। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइस है वो बहुत ऊपर चले गए थे, जिससे कि पूरी दुनिया में लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लोगों को इसमें बूम लगा तो लोगों ने इन्वेस्ट किया इसमें, तो जिससे कि सरकारें हिल गई। तो कुछ सरकारें तो इसमें ओपन है जो बिल लेके आ रही हैं कि लोग इसको लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि लोग अच्छे खुल के क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करें, क्योंकि फ्यूचर तो यही है। और कुछ सरकारें ऐसी हैं जो इसको दबाने में लगी हैं, जैसे चाइना की गवर्नमेंट है, उन्होंने बोल दिया कि हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो इसमें क्लियरली एक बात लिखी गई है कि अपना क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे, अभी सेल परचेज नहीं होगी, बट लोगों के पास जो क्रिप्टो करेंसी है वो उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छी बात है कि टोटली इसको बिल्कुल ही मतलब बैन नहीं किया है, तो जो क्रिप्टो करेंसी लोगों के पास है वो रख सकते हैं, बट फर्दर जो उनके बैंक्स हैं वो इसमें ट्रेडिंग में उनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। और 2019 में जो उनका पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है उसने भी बात बोली थी कि वो जो डोमेस्टिक और फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसको बिल्कुल भी बंद कर देंगे। ये उन्होंने पहले क्लियर कर दिया था, बट अभी ये मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली आ चुका है कि लोग जो है इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे और कोई भी बैंक और जो प्राइवेट कंपनीज उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। इसके पीछे इनका रीज़न यही है कि जो इनके प्राइजेज हैं वो ईजिली मैनिपुलेटेड हो सकते हैं, कोई भी इनको मैनिपुलेट कर सकता है मार्केट को। और जो इनके ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो चाइनीज लॉ के अंदर नहीं आते, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है वो टोटली डीरेगुलेटेड मार्केट है। तो इस वजह से कि जितने भी इसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन होता है, वो गवर्नमेंट के दायरे से बाहर है, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो गाइज ये थी लेटेस्ट न्यूज़ चाइना की तरफ से। तो इस न्यूज़ के आते ही जो देखने को सबसे बड़ा रिजल्ट मिला है हमें वो है कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी है सबकी वैल्यू नीचे गिर गई है, चाहे वो डॉज कॉइन हो, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सभी की कीमतों में भारी गिरावट है इस डिसीजन के बाद। अब देखने जाए कि मार्केट कब ऊपर उठती है, ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ी बात जरूरी हो देखने वाली है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या देखेगी इससे, क्या सीखेगी वो। अगर वो भी इसी ट्रैक पे चलते हैं कि ये स्पेकुलेटिव हैं, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है वगैरह वगैरह, तो वो भी इजीली जो है क्रिप्टो करेंसी को बैन कर सकती टोटली, जो कि हम सबके लिए बहुत बड़ा ब्लो होगा। तो बहुत नुकसान होगा इससे जॉब्स को, जो कुछ एक्सचेंजेस खड़ी हुई हैं वो भी बंद हो जाएंगी, जो लोगों को जो मिली है रोज़गार मिला है वो सब कुछ बंद हो जाएंगी। तो अगर चाइना ऐसा कर सकता है तो उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग शायद हमारे पास भी ऐसा हो। बट होप फॉर द बेस्ट एंड पॉजिटिव सोचो, ठीक है, और वेट कीजिए, कोई अच्छा डिसीजन जब तक आता नहीं है। और मार्केट अभी डाउन है, तो जो लोग परचेज करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी को वो अभी अच्छा टाइम है, आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो अपना देखिए ध्यान से कि इनको कौन सा मूव लेना है। तो कैसे इसी मेरी छोटी सी वीडियो क्रिप्टो करेंसी अपडेट के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या वो टोटली बैन कर देगी या फिर कोई बीच का रास्ता निकालेगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अच्छी ट्रेडिंग करते रहिए। धन्यवाद।